साथ ही टेक्निकल जानकारी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके इंजन के इंजन से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले इसकी टेक्निकल बात जानकारी मैं आपको बता दूँ। इसमें ये 5512 का ट्रैक्टर है, 2900 cc का इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि cc है और 24 रेटेड RPM है। और सिलेंडर की बात किया तो इसमें 3 सिलेंडर इंजन पंप मिलेगी आपको, 3 सिलेंडर का ये ट्रैक्टर है। और 7-16 घंटार मिलेंगे इसमें, फ्रंट एक्सल फिक्स मिलेगा, पावर स्टीयरिंग मिलेगी और कुछ कंपनी की इनलाइन पंप है इसमें, डीजल फिल्टर्स हैं। पीछे की साइड में ये हीट गार्ड लगाए हैं, इंजन से आने वाली हीट को रोकते हैं। और ट्रांसमिशन इधर लिखा हुआ है कॉलर शिफ्ट V3, ऊपर चलने के लिए नीचे पैडल दिए हैं और 16-28 के पिछले बड़े टायर दिए हैं इसमें। और ये इंडिकेटर है साइड में, पीछे देख रहे हैं तो इसमें एक फ्यूल बॉक्स मिलेगा आपको पीछे की साइड। और येलो कलर की इसकी रिंग है, ये जो रिम है इसका साइज आप वो कलर है जो येलो कलर का आता है सभी ट्रैक्टरों में जॉन डियर के। और लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है और 6 स्प्लाइन PTU 540 PTU RPM मिलेंगे, जिसमें इसकी PTU HP है वो है करीब 47 kg 2 HP है। 3 पॉइंट लिंकेज के साथ ये मिलेगा। पीछे हेड लाइट के लिए एक पोर्ट दिया है पीछे की साइड और एक रिफ्लेक्टर मिलेगा आपको। और फ्यूल टैंक की बात की है तो 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, जो अंडर के ज़्यादातर ट्रैक्टर में 60 लीटर का फ्यूल टैंक आता है चाहे वो छोटा ट्रैक्टर हो या बड़ा ट्रैक्टर हो। पीछे की साइड एक लाइट मिलेगी जो काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी ठीक ठाक लग रही है देखने में। तो इंडिकेटर पीछे की साइड बड़े इंडिकेटर हैं, देखिए काफ़ी बड़े इंडिकेटर दिए हैं। रियर एक्सल की बात की जाए तो पीछे का जो एक्सल है काफ़ी हैवी ड्यूटी दिया है, हैवी ड्यूटी रियर एक्सल है। इधर थोड़ा जगह नहीं है इस वजह से मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी हैवी ड्यूटी रियर एक्सल दिया है। डुअल क्लच का ऑप्शन मिलेगा आपका, सिंगल क्लच नहीं है इस ट्रैक्टर में, डुअल ही क्लच मिलेंगे आपको। और ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या है, नीचे एडजस्टेबल सीट मिलेगी आपको, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और गियर ट्रांसमिशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसमें 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर मिलेंगे आपको। कॉलर से ट्रांसमिशन है ये देखिए, और ये पीछे लीवर है सही साइड का, नहीं पीछे लीवर तो नीचे की साइड है, साइड नीचे की साइड ये पीछे लीवर है। और ये काफ़ी आरामदायक सीट मिलेगी इसमें, ये साइड में ये 3 कॉलर अपने हिसाब से आप इस पर हैंड रख सकते हो, अपने हिसाब से हैंड आप रख सकते हो। और 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी आपको इसमें, जिसमें ये पोजीशन और ड्राफ्ट का ड्राफ्ट और पोजीशन कंट्रोल के लिए लीवर हैं ये, काफ़ी चौड़े मड गार्ड भी हैं, सपोर्टिंग भी है गार्ड को। और 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। कॉलर शिफ्ट ट्रांसमिशन जो आता है जॉन डियर के ट्रैक्टर में, कॉलर शिफ्ट ट्रांसमिशन आता है जो जॉन डियर का खुद का ट्रांसमिशन है बोलते हैं कॉलर शिफ्ट। OIB और एडवांस्ड ब्रेक मिलेंगे, जो ग्रो का जो है ये पैडल टाइप ब्रेक हैं जो कार वगैरह में आते हैं, इसे पैडल टाइप बोलते हैं, पैडल टाइप ब्रेक हैं। इधर साइड भी एक हीट गार्ड लगाए हुए हैं, इधर ही साइड और प्रोटेक्स लीटर है और वाटर रखने के लिए यहाँ पर दिया है, आप इधर वाटर की बोतल रख सकते हैं। ठीक है साथ देखा जाए तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है सभी ट्रैक्टरों में। ये एक्सीलेटर इधर की साइड ही आता है जो अंडे के ट्रैक्टर में, एक मिरर साइड में मिलेगा आपको। और आगे की तरफ से देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त ट्रैक्टर दिखता है, उसको बैठ के देखिए आपको काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर दिखता है। इसमें साइलेंटर आपको राइट हैंड पर साइलेंटर मिलेगा और ये जॉन डियर का फर्स्ट मॉडल है, इसकी जो कीमत रखी है जॉन डियर एजेंसी वालों से मैंने पूछा है तो कीमत बता रहे हैं मॉडलों का, हाँ बताए बोल रहे हैं कि मॉडलों के हिसाब से कीमत थोड़ी ऊपर नीचे हो जा सकती है। जैसे फर्स्ट मॉडल है तो इसकी कीमत है 8,75,000, इसमें 4x4 भी ऑप्शन आता है लेकिन ये 2-बेड है और 4x4 का प्राइस और बढ़ जाते हैं, तो इसकी जो कीमत है 8,75,000। स्टेट के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं इधर ये एजेंसी है ये है सिकंदराव में एजेंसी है, इधर 8,75,000 इसके पैसे हैं, स्टेट हिसाब से काफ़ी डिफरेंस हो जाता है प्राइस में। तो आप अपने नज़दीकी डीलर से जाके कॉन्टैक्ट करें, ये पता करें कि ये क्या प्राइस है, उधर जाके इधर अलग हो सकते हैं। इसके जो प्राइस है मैं आपको बताऊँ, ये एजेंसी है
सिकंदराव हाथरस अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो आप अपने नज़दीक डीलर से जाके कॉन्टैक्ट करें, वहीं पर जाके बात करें, तभी आपको पता चलेगा ये कितने प्राइस हैं इस ट्रैक्टर के। आशा है कि वीडियो देखकर आपको पर्याप्त जानकारी मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस ट्रैक्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ जाकर आपको पता चलेगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगला रिव्यू और कंपेयर किस ट्रैक्टर करें ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। सिंगल पीस बोनट मिलेगा आपको इसमें, ये अभी भाई साहब खोल के दिखाएंगे आपको। ये देखिए ऊपर की साइड ये खुल जाएगा आपको, पूरा सिंगल पीस बोनट आता है। और ड्राई टॉप का एयर क्लीनर मिलेगा इसमें, साइलेंसर को साउंड रोकने के लिए, जॉइंटर में ये भट्टी के लिए एक अंदर से सिलेंडर आता है, तभी से जॉइंटर कम साइलेंट आवाज़ इसकी साइलेंट रहती है। हाँ जी, एयर का जो है एक कूलेंट टाइप है, और ये कूलेंट है, इसमें कूलेंट का टैंक है। और ये देखिए अंदर जाके इसमें एक भट्टी इसकी जो बोलते हैं, इसे अंदर से ही साइलेंट, इसी तभी तो जॉइंटर की आवाज़ थोड़ी साइलेंट आती है।